हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सा मिर्च का अचार, जैसा कि हम ढाबे या फिर रेस्टोरेंट पे खाते हैं और हम सोचते हैं कि ये कैसे बनाया होगा। तो आज वही ढाबे वाला अचार बनाएंगे घर पर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस चटपटे और टेम्पटिंग से अचार की रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची जब हम लेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हरी मिर्ची है आपको हल्की सी मोटी वाली लेनी है, क्योंकि जो पतली वाली हरी मिर्ची होती है वो तीखी होती है और ये जो मोटी वाली है ये थोड़ी कम तीखी होती है। तो ये मिर्ची हमको लेनी है और इसको मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया था। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो अब इसकी जो स्टिक है वो हम तोड़ लेंगे। जो ढाबे वगैरह पे मिलती है उसमें तो स्टिक होती है, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम कम होता है तो वो स्टिक के साथ ही इसको बना देते हैं। बट हमारे पास तो टाइम है तो इसीलिए मैं इसकी स्टिक जो है अलग कर दूंगी, क्योंकि अचार को स्टिक ही खराब करती है ये। तो यहाँ पे सारी मिर्ची की मैं स्टिक कट कर लूंगी और इस तरीके से आप धो के इनको स्टोर भी कर सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। आप इसे रिजर्व करके रख सकते हैं। हरी मिर्ची को भी बिल्कुल भी ये खराब नहीं होती, 8 से 10 दिन बिल्कुल आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची की डंडी जो है वो तोड़ दी थी। अब हम इसको बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर इस तरीके से चीरा डाल के भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से ही कट करूंगी। कुछ को मैं चीरा लगा के छोड़ दूंगी और कुछ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। तो इसी तरीके से मैंने अपनी सारी जो हरी मिर्ची है तैयार कर ली है और ये जो अचार है इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं 8 से 10 दिन, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता। एयर टाइट कंटेनर में आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरी मिर्ची मैंने तैयार कर ली है अपनी कट करके। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और फ्लेम जो है बिल्कुल मैंने लो कर दिया है। तो लो फ्लेम पे ही हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल किसी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा इसके अंदर हम अपनी कटी हुई मिर्ची को डाल देंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही चटपटी सी मिर्ची हमारी बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि मिर्ची तो होती ही तीखी है तो इसमें अगर कम मसाले भी डाले जाएं तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर मिर्ची डाल दी है और लो फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यूसली 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक कि ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। क्रंची भी रहनी चाहिए और सॉफ्ट भी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से देखी मिर्चों को रोटेट करते हुए फ्राई कर रही हूँ। तो इसके मिर्ची के छींटे हल्के हल्के पड़ रहे हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख लिया है ताकि इसके छींटे जो हैं ना पड़े। एक प्लेट ले लें या फिर जो भी कवर होता है कढ़ाई का हमारी वो ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप मिर्ची फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी इसके मिर्ची के छींटे आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो बस इस तरीके से करने के बाद 1 से 2 मिनट मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया है और 2 मिनट के लिए मैं इसको ढककर पका लूंगी ताकि जो हमारी मिर्ची है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए बट क्रंची भी रहे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एंड में भी जो हमारी मिर्ची है ऐसी खड़ी खड़ी है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है। तो 2 मिनट के बाद देखिए मिर्ची जो है हमारी अच्छे से हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इस पे एक वाइट स्पॉट भी देखिए आ गया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा सॉल्ट और इसके साथ साथ बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी और बहुत ही कम मिर्च डालूंगी। जस्ट फॉर कलर के लिए ये मसाले हम डाल रहे हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्ची और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच आमचूर का पाउडर। जब भी आप मिर्ची का कोई अचार बनाएं तो उसमें आमचूर जरूर पड़ता है। और साथ ही डाल दिया है 1 चम्मच धनिया का पाउडर और बस अच्छे से सारे मसालों को मिर्ची से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया से कोट हो गई है हमारी मिर्ची मसालों के साथ और क्रंची भी दिख रही हैं। तो इसके साथ साथ ही अब इसके अंदर हम एक नींबू को स्क्वीज करके डाल देंगे। अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आप 2 से 3 चम्मच वाइट वाला जो विनेगर होता है, सिरका जो होता है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू को स्क्वीज करके डाल दिया है और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि जो हमारी मिर्ची है इसके अंदर सारे मसाले और नींबू का फ्लेवर चला जाए। तो बस 1 मिनट के लिए देखिए मैंने और मिर्ची को कर लिया था और रेडी हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सी मिर्ची। तो बस इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। इसको आप पूरी के साथ, पराठों के साथ या फिर बटाटा वड़ा के साथ, समोसे के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्व कर दी है और आपको दिख रही होगी कि ये कितनी क्रंची भी बनी हुई है और सॉफ्ट भी है। तो इसको एक एयरटाइट कंटेनर में आप रिजर्व करके 8 से 10 दिन तक बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो बस रेडी हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी और चटपटी ढाबा स्टाइल मिर्ची का अचार रेसिपी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोज़ को इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।